वक्त यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को लेकर के स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट दो तरह से काम किया जाता है, पहला है स्टिल लाइफ स्टडी और दूसरा होता है स्टिल लाइफ पेंटिंग। स्टडी और पेंटिंग में कितना अंतर है? स्टडी जो आपके सामने जो भी चीज रखी हुई है उसको आप इट इज बनाइए। सबसे पहले आप बेसलाइन करेंगे, फिर बेस के बाद अगर वो ऑब्जेक्ट की कहीं पर चौड़ाई या मोटाई जाता है वहां पर लाइन करेंगे और टॉप पर लाइन करेंगे। उस तरह से हम ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी और उसका मेजरमेंट ले लेते हैं। फिर आप उन लाइनों को आसानी के साथ एक दूसरे से गैप करते हुए मिला लो बराबर। इस तरह से लाइन को जब आप मिला लोगे तो आपके ऑब्जेक्ट की लाइन और जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो एज इट इज बन जाएगा। उसके ऊपर का हिस्सा, अब जब ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने रखा हुआ है तो हमें ऊपर का हिस्सा कितना दिख रहा है उसके अनुसार यहाँ पर आपने निशान लगा लिया और आपने और उसके सर्किल कर लिया। जब ऊपर का हिस्सा जितना राउंड होगा उतना ही नीचे का हिस्सा राउंड होगा। तो आप जितना ऊपर किया है उतना ही आप यहाँ से लाइन करके हल्की सी लाइन इसकी खींच सकते हो। तो ये लाइन खींचने के बाद इस तरह से जब ये ऑब्जेक्ट है आपका एक ऑब्जेक्ट बन करके तैयार हो गए। सेम दूसरे ऑब्जेक्ट में मान लो यहाँ पर कोई कप रखा हुआ है, कप की ड्राइंग की है, तो इसको भी आप राउंड करो। उसी तरह से जितना उसका सर्किल दिख रहा है, जितना ऑब्जेक्ट हमें लेवल से दिखाई दे रहा है आई लेवल से, उसी के अनुसार हमारी लाइन्स होंगी। और नीचे की ओर सेम आप इसको लाइन को बढ़ा लो और इस लाइन को आप इन दोनों में मिला लो। सेंटर में लाइन इसलिए की जाती है कि जिससे कि हमारी दोनों चीजें बराबर हों। तीसरा ऑब्जेक्ट लेटा हुआ पड़ा है। अब लेटी हुई चीज में क्या है, हमारा जो सामने देखने वाली चीज है वो उसका जो सर्किल है वो ज्यादा बड़ा है। अब जब ज्यादा बड़ा है तो उसको लेकर के आप उस तरह से उसके, क्योंकि हम इसको सामने से देख रहे हैं तो हमने ये चीज बना ली। अब इसकी जो जितनी राउंडनेस और जितनी गोलाई यहाँ पर है उतनी सेम गोलाई अगर हम यहाँ करते हैं तो ऑब्जेक्ट में पर्सपेक्टिव और परफेक्शन अपने आप आ जाता है। ये दो तीन बातों का अगर हम स्टिल लाइफ में ध्यान रखते हैं, पहली चीज है ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी, दूसरी चीज है ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हमने उसको पर्सपेक्टिव लेकर के बनाया, तीसरी चीज आती है शेडिंग। जब हम नेचुरल, जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हमें लाइट का सोर्स देखना पड़ता है। अगर लाइट का सोर्स इधर से है तो हम हमारे जो अपोजिट साइड का ऑब्जेक्ट की जो अपोजिट साइड है वो धीरे धीरे डार्क होगी, वो डार्क होगी। अब चूंकि ये अपोजिट साइड हम डार्क करते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसमें लाइट जो है ऊपर के हिस्से पर पड़ेगी, साइड के हिस्से पर कम पड़ेगी और बिल्कुल बीच कॉर्नर के साइड में आपके यहाँ पर ये डार्क चीज शेडिंग्स ज्यादा जाएगी। जब इधर से लाइट का सोर्स है तो आपकी ऑब्जेक्ट की जो परछाई है वो आपकी साइड में ऑब्जेक्ट की परछाई आएगी। इस तरह से हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को पूरा करते जाते हैं और शेडिंग को करते हैं। अब चूंकि ये लाइन है आप इन लाइनों को बाद में हल्का कर लोगे बिल्कुल रबड़ के द्वारा या उंगली के द्वारा। अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर है, क्योंकि ऊपर के हिस्से में डार्क ज्यादा रहता है तो आप अंदर की तरफ यहाँ पर डार्क कीजिए। इसको डार्क करते हुए जब ऊपर की तरफ आएंगे तो आपके ऊपर अंदर वाला पोर्शन डार्क नजर आएगा और ऊपर वाला पोर्शन आपका धीरे धीरे लाइट हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि इसके अंदर डेप्थ है। ये इन बातों का ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर चूंकि घिस करके की जा रही है, हम पेंसिल को घिस करके डार्क कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपकी चीजें धीरे धीरे लाइट टू डार्क। इसी तरह से इस शेडिंग में भी आप क्रॉस से कर सकते हो, घिस करके कर सकते हो, और हम जितना डार्क बढ़ाना चाहें धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी के हिसाब से हम यहाँ पर डार्क बढ़ाते हैं। उसी तरह से आप इस चीज को ले लो, ये भी एक कप है। अब यहाँ देखिए ये अंदर की ओर, अंदर का पोर्शन यहाँ से डार्क और ऊपर की ओर लाइट, पहले यहाँ से इस पोर्शन को डार्क करो और जहां तक लाइट
ऊपर जा रही है, पहले वो हल्का कर दो, धीरे धीरे हम इसको टार्क को बढ़ाते चलिए। आप इस पोर्शन में, क्योंकि ये हिस्सा हमारा अंदर की हो रहा है तो ये हिस्सा ज्यादा डार्क होगा और उसकी आउटर लाइन दिखेगी, फिर उसके बाद वो हमें यहाँ धीरे 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 डार्क हम बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से हम ऑब्जेक्ट, क्योंकि इधर से लाइट आ रही है तो इसका मतलब लाइट यहाँ पड़ जाता होगी और ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, डार्क होगा। तो यहाँ से हम डार्क करते पूरे आ जाएंगे, अंदर की ओर ये पोर्शन ज्यादा डार्क होगा और दूसरी साइड का पोर्शन लाइट होता चला जाएगा। तब हमें इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट में डेप्थ नजर आएगी और डेप्थ किसी चीज के अंदर उसकी आइडेंटिटी के लिए, उसकी राउंडनेस के लिए डेप्थ बहुत जरूरी। ये तीन टोन्स लाइट, डार्क और मैक्सिमम डार्क, इनको फॉलो करते हुए अगर हम शेडिंग करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी अपने आप स्वतः ही पता चलने लग जाती है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट आगे है तो ये पीछे, तो अब इस जगह पर हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इसकी परछाई वैसे भी, और इस जगह पर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है, इस पीछे वाले ऑब्जेक्ट का ये हिस्सा डार्क में है, तो आप इसको धीरे धीरे डार्क करते चले जाइए और डार्क करते जाएंगे और हमारी शेडिंग धीरे धीरे लाइनों में ही हम शेड करने के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस तरह से कर सकते। चूंकि अब ये पोर्शन जो नीचे वाला हिस्सा ये ज्यादा डार्क है तो हमको यहाँ पर ज्यादा डार्क पेंसिल चलाने की कोशिश करनी है, मैक्सिमम डार्क चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये डार्क है हमारा लाइट होता चला जाएगा और इस तरह से हमारी सेटिंग आएगी। ऐसे ही इस ग्लास के पोर्शन में यहाँ पर हम मैक्सिमम डार्क करेंगे और अंदर की ओर ज्यादा डार्क और बाहर की ओर लाइट। तो इस तरह से हम अपने सेटिंग के का वर्क को धीरे धीरे पूरा करते चले जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जो आइडेंटिटी है वो हमारी नजर आएगी। चूंकि लाइट का सोर्स इधर से है तो ये वाला पोर्शन अंदर की ओर ज्यादा डार्क रहेगा और दूसरी तरफ पोर्शन धीरे धीरे ऊपर की ओर लाइट होता चला जाएगा। अब इसको मैं पेंसिल शेडिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि कुछ पेंसिल्स हैं जो हमें शेडिंग पर्पज में काम आती है, जैसे आप 6B का यूज कर सकते हो क्योंकि इसका लेड सॉफ्ट होता है, और 8B 10B का यूज कर सकते हो जिनका लेड सॉफ्ट होता है, तो आप इजीली हम मैक्सिमम डार्क भी पा सकते हैं और उसमें शेडिंग को आसानी के साथ कर सकते हैं। आप देखो, अब मैं क्रॉस में भी कर रहा हूँ, क्रॉस में करने का मतलब है अब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट और डार्क होता चला जा रहा है। जितना हम उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से, अगर ये स्टील का है, अगर ये कांच का है, अगर ये प्लास्टिक का है, तो उसके कलर को फॉलो करते जाएंगे तो हम धीरे धीरे पेंसिल शेडिंग को ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी के अनुसार इसको कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो अगर हम पेंसिल शेडिंग में ध्यान रखें तो हमारी स्टिल लाइफ है, जो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो और सुंदर बनेगी। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर ये आप ड्रॉ करते हो, चीजों को करते हो, तो और आप सुंदर कर सकते हो। अब मैंने पहले शुरुआत में बोला था आपको कि स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट स्टडी एंड पेंटिंग में क्या अंतर है। स्टिल लाइफ पेंटिंग और स्टडी में यह अंतर है कि स्टडी में हम उस ऑब्जेक्ट की हूबहू नकल करते हैं, उसका कलर कैसा है, उसके लाइट का सोर्स क्या है, लेकिन जब हम पेंटिंग करने जाएंगे पेंटिंग करते समय हम अपनी इच्छा के अनुसार ऑब्जेक्ट के कलर, उसकी पोजीशन और अपने सब्जेक्ट के अनुसार हम उसका चेंज इसको कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार किस तरह से कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, पीछे हमें यहाँ डार्क कलर की जरूरत है तो हम वहां पर डार्क कलर का यूज करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे प्लास्टिक का ग्लास है और बैकग्राउंड अगर हमारी डार्क है तो हमारे ऑब्जेक्ट्स लाइट होंगे। इन बातों का ध्यान रखते जाओगे तो पेंटिंग के अंदर क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर
चेंज कर सकते हैं लेकिन आइडेंटिटी खो नहीं सकते, आइडेंटिटी उसकी छोड़ नहीं सकते। अपने कलर उसके अपने बैकग्राउंड के अनुसार हम डेप्थ के अनुसार कलर चेंज कर लेते हैं। यह सबसे बड़ी चीज है पेंटिंग में और स्टिल लाइफ के अंदर, दोनों चीजों में, स्टडी में और पेंटिंग करने में, दोनों में अंतर है। हमें लगता है कि यहाँ पर हमें पर्दा बनाना है तो हमें पर्दा बना सकते हैं और कोई चीज बनानी है क्या, बैकग्राउंड को हमको उसी तरीके से यूज करना है और कलर को चेंज करना है। इसलिए स्टिल लाइफ, स्टडी और पेंटिंग में यह बहुत बड़ा आपको डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि जो भी आर्टिस्ट है वो अपने अनुसार पेंटिंग के अंदर कलर चेंज कर सकता है, आइडेंटिटी उसकी रख सकता है और वह उसमें शेडिंग भी चेंज कर सकता है। लाइट का सोर्स वो कहीं से भी ले सकता है, लेकिन स्टडी में हम फॉलो करते हैं कि लाइट का सोर्स एक ही होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, मैंने इसके ऊपर आपको कुछ पेंसिल शेडिंग करके इसलिए समझाने की कोशिश की है कि आप शेडिंग को अच्छी तरह समझ जाओ और धीरे धीरे इसको आप करने की कोशिश करोगे तो ये आपकी चीजें अपने आप सुंदर होती जाएंगी और आप एक अच्छी पेंटिंग पेंसिल शेडिंग की भी बना सकते हो। पेंसिल शेडिंग कहने का मतलब मोनोक्रोम वर्क। अब मोनोक्रोम वर्क को आपको कलर में करना है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जिस तरह से पेंसिल चलाई हुई है वो कौन सा कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है येलो कलर तो येलो कलर का मतलब पेंसिल बहुत हल्की चलेगी, और अगर वो रेड कलर में ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब हमारी पेंसिल का डार्क थोड़ा ज्यादा होगा और वहां लाइट का रिफ्लेक्शन भी कम होगा। इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप मोनोक्रोम पेंटिंग को, कहने का मतलब पेंसिल शेडिंग की पेंटिंग को, और अच्छा बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं इससे आगे वाली चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा।